हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसरो का SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, CVT एग्जामिनेशन, ठीक है, CVT एग्जामिनेशन 4 जून 2022 में, उसका जो CVT एग्जामिनेशन है, उसके CVT एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जो एक क्वेश्चन कलेक्ट किया है, वो हमारा जो स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन को फेस किया था, उसका ओवरव्यू लेके हम एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया हो, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सब क्वेश्चन हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको साथ 34 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किया हो, ठीक है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है एंड क्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द स्पीड ऑफ वेव इज 3380 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1900 हर्ट्ज, ठीक है। देन वेव लेंथ क्या होगा, इसका वेव लेंथ क्या होगा, ठीक है, वेव लेंथ क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक फॉर्मूला को हमको जरूरत है, वो क्या है, वो है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ठीक है। तो इधर से आपको अगर वेव लेंथ को निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या मिला है हमारा इधर में, 380 हम इधर में लिख लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी है 1900 हर्ट्ज। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके जो आपको आंसर मिलेगा वो है 0.2 मीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया था ए पॉइंट व्हेयर द होल वेट ऑफ ए बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिप्लोमा वालों का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा सा टफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और CG, ठीक है, CG भी हम लिख सकते हैं। द पॉइंट व्हेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं और CG भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इधर में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था, एज पर BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द डेजिग्नेशन ऑफ वी ब्लॉक फॉर मैचिंग पेयर, ठीक है। तो मैचिंग पेयर जो वी ब्लॉक है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, M50/5-40A, IS नंबर क्या है, IS 294, ठीक है, ये होगा मैचिंग पेयर जो वी ब्लॉक होगा, तो उसका स्पेसिफिकेशन, उसका डिजिग्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट, ठीक है। तो A1 साइज का जो ड्राइंग शीट होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, 594 mm × 841 mm, ठीक है। ये क्या है, ये है A1 साइज का जो ड्राइंग पेपर, आपको ड्राइंग पेपर में आप लोग ड्राइंग करते हैं, उसका डायमेंशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए, कोई मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भरवेग या मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में मोमेंटम था तो उसको आपको चूज करना था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, इस ब्लैंक्स में क्या कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो द इसको आप यूज करना है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, इसमें द आर्टिकल यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवरसाइज्ड होल इन ड्रिलिंग इज, तो जो ओवरसाइज ड्रिल जो होता है, उसका प्रोबेबल कॉज क्या है, उसका प्रोबेबल कॉज है अनइक्वल लेंथ ऑफ द लीफ। देखिए, लीफ का लेंथ अगर अनइक्वल होगा, तो जो लीफ का लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इसी हिसाब से ड्रिल रिवॉल्व करते रहेगा, ठीक है। तो जो होल होगा, तो इसी लीफ का जो लेंथ है, इसी के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो अनइक्वल लेंथ ऑफ लीफ इसी आंसर हो जाएगा, द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवरसाइज होल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ हार्ट फेल, ठीक है। ये हार्ट फेल, ये जो वर्ड है, इसको एंटोनिम क्या है, ठीक है। तो इसको एंटोनिम है इनसिंसियर, ठीक है, ये जो इनसिंसियर अगर आपका ऑप्शन में है, तो वही आपको चूज करना था।
हार्ट फेल का एंटोनियम होगा इनसिंसियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है मेट्रिक माइक्रोमीटर पीच, ठीक है, ये पीच होगा PITCH, मेट्रिक माइक्रोमीटर पीच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड इज। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल हम लोग यूज करते हैं उसका पीच होता है 0.5 mm, ठीक है, वन रिवोल्यूशन में ये 0.5 mm या हाफ mm एडवांस करते हैं, ठीक है। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर का जो पीच होता है उसका वो है 0.5 mm। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लुब्रिकेशन ग्रीस आर डिजिग्नेटेड विद नंबर फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। लुब्रिकेशन ग्रीस को 0 से 10, 0 से लेकर 6 तक उसका नंबर है। तो 0 ऑन ग्रीस इंडिकेट, 0 क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, तो 0 इंडिकेट करता है वेरी सॉफ्ट को। एंड लिख लीजिए ये जो 6 है ना फ्रेंड्स, ये 6 वेरी हार्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है, 6 वेरी हार्ड को इंडिकेट करता है एंड वेरी सॉफ्ट को 0 0 इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था वन ऑफ द फंक्शन फॉर इलेक्ट्रोड कोटिंग, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोड कोटिंग है उसका फंक्शन है स्टेबिलाइज द आर्क, ठीक है। RS आपका जो एशियन का जो बुक्स है जो आप लोग फॉलो करते हैं उसमें एक उसका एक कॉमन क्वेश्चन है द वन ऑफ द फंक्शन फॉर इलेक्ट्रोड कोटिंग, ठीक है, इसका आंसर होगा स्टेबिलाइज द आर्क। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रियल रूट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रियल रूट होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके हिसाब से आपका जो जो पोस्ट है उसी हिसाब के जो क्वेश्चन बहुत ही टफ, ठीक है, मेरे हिसाब से टफ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर, ठीक है। तो लॉक वॉशर का देखिए एडवांटेज क्या है, इसका हमको ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। तो वॉशर हमको वॉशर हम किस लिए यूज करते हैं, वाइब्रेशन के वाइब्रेशन से। देखिए लॉकिंग वॉशर जो होता है ना उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, द ए लॉक वॉशर इज यूज टू प्रिवेंट ए बोल्ट नॉट फ्रॉम लूजनिंग अंडर द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का अगेंस्ट अगेंस्ट में जाकर बोल्ट और नॉट को लूजनिंग होने से रोकते हैं ए लॉक वॉशर, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमको नहीं मिला है, इसके लिए हम इसको नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है द नेम द कैलिपर यूज फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। तो वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग जो कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं वो है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर आपको अगर काम में आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको मिलना है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है द ब्रेजिंग इज जनरली डन, ठीक है। तो ब्रेजिंग इज जनरली डन 600 to 850 डिग्री सेल्सियस में। तो इसका आंसर यही भी हो सकता था, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में यही पूछा गया था तो ब्रेजिंग इज डन हायर टेम्परेचर वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हेन वाज OSHA, ठीक है, OSHA एनेक्टेड, ठीक है। तो इसका जो ईयर है वो है 1970 एंड OSHA किसको इंडिकेट करता है वो भी नोट डाउन कर लीजिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो OSHA का एब्रिविएशन क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया है द ग्राइंडिंग व्हील का जो RPM इधर में है, ग्राइंडिंग व्हील का RPM है 150, ठीक है, एंड डायमीटर ग्राइंडिंग व्हील जो है उसका डायमीटर है 150 एंड रनिंग उसका RPM है 2800, ठीक है, एंड द सरफेस स्पीड इज नियरली, ठीक है। तो देखिए पहले इस जो क्वेश्चन है ना उसका जो अगर आपका जो ऑप्शन था वो 2200, 2100, 1080 एंड 1960,
ठीक है, क्या क्या ऑप्शन था, 2200, 2180 एंड 1960, ठीक है। तो ये जो चारों ऑप्शन था इसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ठीक है। इसका इस जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। क्यों गलत है, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, तो वो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको यही फॉर्मूला को अपनाना है। वो क्या है, वो है सरफेस स्पीड, ठीक है। सरफेस स्पीड इक्वल टू क्या है, इधर में एन है आरपीएम, ठीक है। इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है पाई एंड डी जॉब का जो डायमीटर है, ठीक है, डी जो व्हील का जो डायमीटर है, एंड उसको थाउजेंड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जो डेटा है इसको इनपुट देने से क्या मिलेगा, देखिए इसका जो आरपीएम है हम इधर में लिख रहे हैं 2800, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, नीचे 1000 ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड डी का वैल्यू क्या है, डी का जो वैल्यू है इधर में 150, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करिए आप लोग, इसी को सिंप्लीफाई करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो है 1320, ठीक है। लेकिन ये 1320 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन में नहीं है आपका, ठीक है। तो मेरा हिसाब से ये जो क्वेश्चन था ना ये गलत है, इसका ऑप्शन कोई दूसरा कुछ था होने को चाहिए था, वो क्या था 1320, अगर अगर ऑप्शन में ऑप्शन था तो वही आंसर होगा था, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में है हु रोट द बुक द लाइफ ऑफ पाई, वेरी फेमस बुक है, ठीक है। इस जो बुक है द लाइफ ऑफ पाई, इसका जो राइटर है यह यान मार्टेल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, द गेज यूज फॉर चेकिंग द डायमीटर ऑफ फिनिश्ड बोर गेज, ठीक है। इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा बोर गेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, द टॉलरेंस ग्रेड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑकेशनली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस, तो इसका जो आंसर होगा यह है IT6। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा गया है ड्रिल लीप एंगल, तो ड्रिल का जो लीप एंगल है उसका वैल्यू है 8-12 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 पे हाइड्रोलिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैंडल ए सिलेंडर हैज पिस्टन डायमीटर 2 सेंटीमीटर, हाँ, एंड लिफ्टिंग सिलेंडर जो है उसका पिस्टन का जो डायमीटर है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज हाइड्रोलिक लिफ्ट का लिख लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज MA जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, वो निकालने के लिए जो हमको फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, वो क्या है, आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, ठीक है। आउटपुट फोर्स हम OF लिख लेते हैं, वो आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, ठीक है। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर आउटर आउटपुट प्रेशर इज इक्वल टू इनपुट प्रेशर, ठीक है। आउटपुट प्रेशर इक्वल टू इनपुट प्रेशर, ये पास्कल्स के जो लॉ है उसी के हिसाब से लिख लीजिए, आउटपुट प्रेशर इज इक्वल टू इनपुट प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को हम क्या क्या ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आउटपुट फोर्स बाय आउटपुट एरिया एंड इनपुट फोर्स बाय इनपुट एरिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इधर में कोई फोर्स का मेंशन नहीं है, ठीक है, इधर में कोई फोर्स का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा आउटपुट एरिया बाय इनपुट एरिया ऑफ द पिस्टन डायमीटर, ठीक है। तो पिस्टन जो है वो पिस्टन आउट जो आउटपुट जो सिलेंडर है उसका जो पिस्टन है उसका डायमीटर है 6, ठीक है, क्योंकि एरिया अगर निकालना है तो उसको क्या करना है, पाई डी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर 6 से स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि पाई पाई आपको आपस में कट जाएगा, ठीक है।
तो 6 स्क्वायर, और नीचे में आएगा 2, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो इसी को सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर मिलेगा वो है 9, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में आया है श्री कपिल देव, ठीक है, श्री कपिल देव रिटेन ए बुक इज, तो कपिल देव का लिखा हुआ जो बुक है उसका जो नाम होगा, नाम है वो है 20 ईयर्स एट द टॉप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो है लेंथ ऑफ स्लोप बाय हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, बाय हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग बाय यूजिंग, ठीक है, तो आपको कोई जॉब का एक्सटर्नल थ्रेड काटना है तो डाई का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम जो क्वेश्चन आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर आपको जो मिला है, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, वो उसका लैंग्वेज से, ये जो लैंग्वेज है वो दो एक क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रिपेयर किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन मेमोरी का है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दो एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस, तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कौन सा गैस का यूज होता है, वो है एमोनिया, ठीक है, एमोनिया गैस का यूज होता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस में, एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है इट इज रिक्वायर्ड टू काट ए डबल स्टार्ट एक्मी थ्रेड विथ 5 mm पिच ऑन ए लेथ विच हैविंग लीड स्क्रू ऑफ 2 mm पिच 2 TPI द गियर रेशियो रिक्वायर, ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा 100/127, यही आपका ऑप्शन में था, यही ऑप्शन में आपका था, ठीक है, तो उसका आंसर था 100/127। नेक्स्ट आते हैं लीड ऑफ ए 3 स्टार्टेड थ्रेड इज 7.5 mm, ठीक है, तो उसको पिच क्या है, तो देखिए पिच निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, लीड इक्वल टू लीड लीड इक्वल्स टू पिच, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ स्टार्ट से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इधर में लीड आपको बोल दिया है 7.5, तो पिच क्या होगा, पिच होगा लीड बाय नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है, लीड ऑफ नंबर ऑफ स्टार्ट, तो लीड क्या है 7.5 है, एंड नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट है 3, तो इसको 3 से बांटना है तो आपका आंसर जो होगा वो है 2.5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक बॉन्ड, फ्रेंड्स इसका भी ऑप्शन हमको नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है व्हाट इज द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम टू रिक्वायर्ड ए ड्रिल ऑफ 40 mm होल एट कटिंग स्पीड ऑफ 33, ठीक है, तो देखिए कटिंग स्पीड जो है ड्रिल का, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स इधर में कटिंग पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है, इधर में 1000 जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 40 mm, ठीक है, डी का वैल्यू हम लिख लेते हैं 40, एंड कटिंग इधर में जो आरपीएम दिया हुआ है, ओ सॉरी आरपीएम है 40 mm, ठीक है, व्हाट इज द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम टू रिक्वायर्ड ड्रिल ऑफ 40 mm होल एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 33, ओके 40 mm जो है उस डी का बी का वैल्यू है, एंड कटिंग स्पीड जो है आरपीएम में उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 33, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर मिलेगा वो है 262 या 0.5, ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में 262.5
फाइव अगर ऑप्शन में है, और 263 भी हो सकता है, ठीक है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है द मटेरियल आर फ्लैट लैपिंग वर्क प्लेट फॉर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जनरल नंबर ऑफ सिलेशन मेड इन रिंग स्पेनर, तो रिंग स्पेनर जो है, रिंग स्पेनर में जो कितने नंबर ऑफ नॉच मिल होता है प्रेजेंट, वो है 12 नंबर ऑफ नॉच प्रेजेंट रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल इन टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ठीक है, मिसाइल, द ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिन्होंने सक्सेसफुली ब्रह्मोस नाम करके जो सरफेस मिसाइल है उसको जो टेस्टिंग करने के लिए सफल हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, ठीक है, DRDO इज रिलेटेड टू ब्रह्मोस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, 2 years ago my age is X, ठीक है, तो 2 years पहले मेरा एज था X, एंड what was my age 5 years ago, तो देखिए 2 years पहले मेरा एज था A, is 2 years ago my age is X, तो 2 years बाद में मेरा अभी जो एज हुआ है X plus 2, एंड 5 years back में मेरा एज क्या है, तो इससे 5 को माइनस करना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, तो यही एक बार ऑप्शन में था तो यही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यही 34 क्वेश्चन जो था मैंने कलेक्ट किया हो उसका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है आपको इस वीडियो तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, एंड अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना, सपोर्ट करते रहना हमारा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग SSTSC। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।